हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यस आईटीआई टेक्निकल क्लासेज में। तो आज की वीडियो में हम फिर से एक अप्रेंटिस भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं जो साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से निकाली गई है। तो आईटीआई की जितने भी स्टूडेंट हैं जो पास आउट हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा सुनहरा मौका है रेलवे की तरफ से अप्रेंटिस करने का। तो बहुत सारे स्टूडेंट की इच्छा रहती है कि रेलवे में अप्रेंटिस कर लूँ, तो उनके लिए अब यह सुनहरा मौका आ चुका है, तो इसे कतई गवाइएगा नहीं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या क्या मुख्य बातें हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 19/11/2023 ही है, और बात करें लास्ट डेट की तो 28/12/2023 है, यानी 28 दिसंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एज के बारे में। तो कम से कम आपका जो एज होगा वो 15 वर्ष होना चाहिए, और अधिक से अधिक जो आपकी एज होनी चाहिए वो 24 वर्ष। बात करें एज में छूट की तो SC/ST के स्टूडेंट के लिए 5 वर्ष की छूट है, और OBC स्टूडेंट के लिए 3 वर्ष की छूट है, और साथ ही साथ जो फिजिकल रूप से विकलांग हैं उनके लिए 10 साल की छूट रहने वाली है। अब मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं कि क्या होनी चाहिए। आपके पास 10th की डिग्री होनी चाहिए, यानी 10वीं पास होनी चाहिए, जिसमें कम से कम 50% अंक आपको प्राप्त होने चाहिए, तभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में ITI पास होना चाहिए, वो भी SC/BT और NC/BT से होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो OBC और जनरल के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए 100 रुपये फ़ीस रखी गई है। SC/ST PWD ओमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ीस दे नहीं है, यानी उनको कोई भी फ़ीस नहीं देनी है। अब देख लेते हैं कि सिलेक्शन प्रक्रिया क्या रहने वाली है। तो सिलेक्शन प्रक्रिया में एक मेरिट बनाई जाएगी, जो हाई स्कूल और ITI में जितने आप प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं उन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर दिया जाएगा, और एवरेज निकाल करके परसेंटेज के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। अब फॉर्म आप कैसे अप्लाई करेंगे, तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको IROAMS.com RRCSER23@application डेस्क पे जा करके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो फ़ोटो होगा वो कलर होगा और 3 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। जो आपका फ़ोटो होगा वो JPG और JPEG में होना चाहिए। साथ ही स्कैन किया हुआ सिग्नेचर आपको फॉर्म में लगाना है। अब सबसे मुख्य बात देख लेते हैं कि कितनी सीटें हैं, उनका ब्यौरा देख लेते हैं, किस स्टेट के लिए कितनी सीट है। खड़गपुर वर्कशॉप में देख लेते हैं तो फिटर के लिए यहाँ पे टोटल सीट 100 है, टर्नर के लिए 22 सीट है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 80 सीट है, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पर 70 सीट है, मैकेनिक डीजल के लिए टोटल सीट 33 है, मशीनिस्ट के लिए 27 सीट है, पेंटर के लिए 18 सीट है, रेफ्रिजरेटर एंड AC मशीन के लिए 10 सीट है। टोटल सीटों की बात करें तो यहाँ पे 360 सीटें हैं। सिग्नल एंड टेलीकॉम वर्कशॉप खड़गपुर में सीटों का ब्यौरा देख लेते हैं तो इलेक्ट्रीशियन में यहाँ पे टोटल सीट 47 है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक में टोटल सीट यहाँ पे 36 है, पेंटर में जो टोटल सीट है वो 2 है, केबल ज्वाइंटर क्रेन ऑपरेटर के लिए टोटल सीट यहाँ पे 2 हैं। कुल सीटों की बात करें तो यहाँ पे 87 यानी 87 सीट हैं। ट्रैक मशीन वर्कशॉप खड़गपुर में देखें तो फीटर के लिए यहाँ पे 54 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक के लिए 30 सीट है, मैकेनिक डीजल के लिए 25 सीट है, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक के लिए यहाँ पे 11 सीट है। टोटल सीटों की बात करें तो यहाँ पे 120 सीट हैं। SSE वर्कशॉप इंजीनियरिंग खड़गपुर में कारपेंटर के लिए 14 सीट है, पेंटर के लिए यहाँ पे 14 सीट है। टोटल सीटों की बात करें तो यहाँ पे 24 सीट है। गैरिज एंड वेगन डिपार्टमेंट खड़गपुर में देखें तो फिटर के लिए यहाँ पे 70 सीट है, वेल्डर के लिए यहाँ पे 40 सीट है, कारपेंटर के लिए यहाँ पे 7 सीट है, पेंटर के लिए यहाँ पे 2 सीट है, टर्नर के लिए यहाँ पे 1 सीट है, मशीनिस्ट के लिए 1 सीट है। टोटल सीटों की बात करें तो यहाँ पे 121 सीट है। डीजल लोको साइट खड़गपुर में देखें तो फिटर के लिए यहाँ पे 5 सीट है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 15 सीट है, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक के लिए 4 सीट है, मशीनिस्ट डीजल के लिए 23 सीट है, पेंटर के लिए यहाँ पे 1 सीट है, केबल ज्वाइंटर एंड क्रेन ऑपरेटर के लिए 1 सीट है,
कारपेंटर के लिए एक सीट है, टोटल सीटों की संख्या यहाँ पे 50 है। अब SREEG खड़गपुर में देखें तो इलेक्ट्रिशियन के लिए यहाँ पे 30 सीट है, मैकेनिक डीजल के लिए 4 सीट है, वायरमैन के लिए 15 सीट है, वाइंडर आर्मेचर के लिए 12 सीट है, रेफ्रिजरेटर AC एंड मैकेनिक के लिए 14 सीट है, लाइनमैन के लिए 15 सीट है। टोटल सीटों की बात करें तो यहाँ पे 90 सीट है। अब TRD डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल खड़गपुर में देखें तो इलेक्ट्रिशियन के लिए 20 सीट है, फिटर के लिए 20 सीट है, टोटल सीटों की संख्या यहाँ पे 40 सीट है। वही EMU सेड इलेक्ट्रिक TPKR में देखें तो फिटर के लिए यहाँ पे 10 सीट है, इलेक्ट्रिशियन के लिए 10 सीट है, वेल्डर के लिए 10 सीट है, मशीनिस्ट के लिए 10 सीट है, टोटल सीटों की संख्या यहाँ पे 40 है। इलेक्ट्रिक लोको सेट संतरागढ़ी में अगर देखें तो फिटर के लिए यहाँ पे 10 सीट है, इलेक्ट्रिशियन के लिए 10 सीट है, वेल्डर के लिए 8 सीट है, मशीनिस्ट के लिए 8 सीट है, टोटल सीटों की संख्या यहाँ पे 36 है। अब SRDEE चक्रधर में इलेक्ट्रिशियन के लिए 34 सीट है, मशीनिस्ट डीजल के लिए 4 सीट है, वायरमैन के लिए 20 सीट है, वाइंडर आर्मेचर के लिए 10 सीट है, रेफ्रिजरेटर AC एंड मैकेनिक के लिए 15 सीट है, लाइनमैन के लिए 10 सीट है, टोटल सीटों की संख्या यहाँ पे 93 है। अब इलेक्ट्रिक ट्रक्शन डिपार्टमेंट चक्रधरपुर में देखें तो इलेक्ट्रिशियन के लिए 20 सीट है, फिटर के लिए 10 सीट है, टोटल सीटों की संख्या 30 है। वहीं कैरेज एंड वैगन डिपार्टमेंट चक्रधरपुर में फिटर के लिए 40 सीट है, वेल्डर के लिए 20 सीट है, कारपेंटर के लिए 1 सीट है, मशीनिस्ट के लिए 1 सीट है, पेंटर के लिए 1 सीट है, टर्नर के लिए 1 सीट है, ट्रिमर के लिए 1 सीट है, टोटल सीटों की संख्या यहाँ पे 65 है। इलेक्ट्रिक लोको सेट टाटा में अगर देखा जाए तो फिटर के लिए 25 सीट है, इलेक्ट्रिशियन के लिए 22 सीट है, वेल्डर के लिए 15 सीट है, मशीनिस्ट के लिए 10 सीट है, टोटल सीटों की संख्या यहाँ पे 72 है। इंजीनियरिंग वर्कशॉप SINI में देखें तो फिटर के लिए 30 सीट है, टर्नर के लिए 5 सीट है, इलेक्ट्रिशियन के लिए 20 सीट है, वेल्डर के लिए 30 सीट है, मशीनिस्ट के लिए 5 सीट है, मशीन टूल मेंटेनेंस के लिए 5 सीट है, फोर्गर एंड हीट ट्रीटर के लिए 5 सीट है, टोटल सीटों की संख्या यहाँ पे 100 है। वहीं ट्रैक मशीन वर्कशॉप में देखें तो फिटर के लिए 5 सीट है, इलेक्ट्रिशियन के लिए 2 सीट है, टोटल सीटों की संख्या यहाँ पे 7 है। SSE वर्कशॉप इंजीनियरिंग चक्रधरपुर में देखें तो कंप्यूटर के लिए यहाँ पे 13 सीट है, पेंटर के लिए 13 सीट है, टोटल सीटों की संख्या यहाँ पे 25 है। इलेक्ट्रिक लोको पायलट सेट वंदा मुंद्रा में अगर सीटों की संख्या देखें तो फिटर के लिए 15 सीट है, इलेक्ट्रिशियन के लिए 15 सीट है, वेल्डर के लिए 10 सीट है, मशीनिस्ट के लिए 10 सीट है, टोटल सीटों की संख्या यहाँ पे 50 है। डीजल लोको सेट वंदा मुंद्रा में अगर देखा जाए तो फिटर के लिए 32 सीट है, इलेक्ट्रिशियन के लिए 16 सीट है, वेल्डर के लिए 1 सीट है, मशीनिस्ट डीजल के लिए 1 सीट है, पेंटर के लिए 1 सीट है, कारपेंटर के लिए 1 सीट है, टोटल सीटों की संख्या यहाँ पे 52 है। वहीं SRDEEG एद्रा में अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिशियन के लिए 12 सीट है, मैकेनिक डीजल के लिए 2 सीट है, वायरमैन के लिए 4 सीट है, वेंडर आर्मेचर के लिए 4 सीट है, रजिस्ट्रेशन AC मैकेनिक के लिए 5 सीट है, लाइनमैन के लिए 3 सीट है, टोटल सीटों की संख्या यहाँ पे 30 है। कैरिज एंड वेगन डिपार्टमेंट आंध्रा में अगर देखा जाए तो फिटर के लिए 40 सीट है, वेल्डर के लिए 20 सीट है, पेंटर के लिए 2 सीट है, कारपेंटर के लिए 2 सीट है, मशीनिस्ट के लिए 1 सीट है, टोटल सीटों की संख्या यहाँ पे 65 है। डीजल लोको सेट BKSE में देखा जाए तो फिटर के लिए यहाँ पे 5 सीट है, इलेक्ट्रिशियन के लिए 6 सीट है, वेल्डर के लिए 10 सीट है, मैकेनिक डीजल के लिए 12 सीट है, टोटल सीटों की संख्या यहाँ पे 33 है। वहीं TRD डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिशियन आंध्रा में अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिशियन के लिए 20 सीट है, फिटर के लिए 10 सीट है, टोटल सीटों की संख्या यहाँ पे 30 है। वहीं इलेक्ट्रिक लोको सेट BKSE में फिटर के लिए 10 सीट है, इलेक्ट्रिशियन के लिए 9 सीट है, वेल्डर के लिए 8 सीट है, मशीनिस्ट के लिए 4 सीट है, टोटल सीटों की संख्या यहाँ पे 31 है। इलेक्ट्रिक लोको सेट ROU में देखा जाए तो फिटर के लिए यहाँ पे 5 सीट है, टर्नर के लिए 6 सीट है, इलेक्ट्रिशियन के लिए 2 सीट है, वेल्डर के लिए 5 सीट है, MMTM के लिए 5 सीट है, टर्नर के लिए यहाँ पे 2 सीट है, टोटल सीटों की संख्या यहाँ पे 25 है। SSE वर्कशॉप इंजीनियरिंग आंध्रा में अगर देखा जाए
तो कारपेंटर के लिए यहाँ पे 12 सीट है, पेंटर के लिए 12 सीट है, टोटल सीटों की संख्या यहाँ पे 24 है। कैरेज एंड वैगन डिपार्टमेंट रांची में अगर देखें तो फिटर के लिए यहाँ पे 20 सीट है, वेल्डर के लिए यहाँ पे 10 सीट है, टोटल सीटों की संख्या यहाँ पे 30 है। अब बात करें DRDE रांची में तो इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पे 10 सीट है, मशीनिस्ट डीजल के लिए 1 सीट है, वायरमैन के लिए यहाँ पे 6 सीट है, वाइंडर आर्मेचर के लिए यहाँ पे 6 सीट है, रेफ्रिजरेशन एंड एसी मैकेनिक के लिए 5 सीट है, लाइनमैन के लिए 2 सीट है, टोटल सीटों की संख्या यहाँ पे 30 है। वहीं TRD डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल रांची में देखा जाए तो इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पे 5 सीट है, फिटर के लिए 5 सीट है, टोटल सीटों की संख्या 10 है। बात करें SHC वर्कशॉप इंजीनियरिंग रांची में तो कारपेंटर के लिए यहाँ पे 5 सीट है, पेंटर के लिए यहाँ पे 5 सीट है, टोटल सीटों की संख्या यहाँ पे 10 है। तो ये रहा टोटल सीटों का विवरण, तो कहाँ कितनी सीटें हैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो जितने भी ITI के स्टूडेंट हैं इस फॉर्म को जरूर भरिए। एक बार और बता दें, फॉर्म की जो प्रारंभिक तिथि है 19/11/2023 है और अंतिम तिथि 28/12/2023 है। आशा करता हूँ आप लोगों को एक एक बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।